दोस्तों, तो आज हमारे पास है प्रेस्टीज का इंडक्शन कुकटॉप जो कि है मॉडल PIC 3.1 V3, जो कि इसका जो वोल्टेज है 2000 वॉट्स का है इसमें, एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, पूरा वीडियो हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स को हमने अनबॉक्सिंग कर लिया है, बॉक्स में काफ़ी अच्छी तरह से ये पैकिंग था ताकि ये कुछ डैमेज ना हो, इसके लिए साइड में वगैरह थर्मोकॉल से अच्छी तरह से पैकिंग किया हुआ था। तो अब कर लेते हैं इंडक्शन के बारे में पूरा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लास का। तो ये जो ग्लास है सेरामिक प्लेट ग्लास है, एंड फुल ग्लास डिजाइन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ग्लास है ये। एंड इसमें फीचर्स की बात करें तो देखो, ग्लास के ऊपर ही लिखा हुआ है पावर सेवर टेक्नोलॉजी, इसमें पावर जो है सेव होती है। अगर कंपेयर टू गैस करेंगे तो आपको बहुत ही कम खर्च आएगा इंडक्शन में। एंड ऑटोमेटिक कीप वार्म दिया हुआ है इसमें, ऑटोमेटिक आपका कीप एंड वार्म रह जाता है इसमें। एंड मॉडल की तो मैंने बताया था, PIC 3.1 V3 इसका मॉडल है। एंड ऑन एंड ऑफ बटन मिल जाता है इधर मेन्यू का बटन मिल जाता है, मेन्यू क्या है पूरा बताऊँगा किसे किसे वर्क होता है। एंड अप एंड डाउन जो बटन दिया हुआ है आपको ज़्यादा कम करने के लिए। एंड इधर टाइमर का दिया हुआ है, प्रीसेट का दिया है, विजुअल प्रीसेट का दिया है, डोसा चपाती के लिए दिया है, इधर प्रेशर कुकर, डीप फ्राई, सोटे, करी, इडली, हीट मिल्क, आप इसमें मिल्क भी गर्म कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है। एंड इधर देख सकते हैं मेन जो फीचर है, ऑटो विस्कर, ऑटोमेटिक विस्कर काउंटर जो कि विजुअल को काउंट करता है, इसका भी फीचर्स बताएंगे। तो सबसे पहले इसको ऑन कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं ऑन। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऑन कर दिया है। एंड हम एक पतीले में पानी जो है इसमें डाल दिया है, एंड अब करते हैं इसको ऑन। तो मैंने जस्ट सिंपली टच किया तो ऑन हो गया। एंड इधर मेन्यू का बटन है, मेन्यू आपको कंपलसरी प्रेस करना पड़ेगा, मेन्यू प्रेस करने के बाद ये हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हाँ, ध्यान रखें इसमें स्टेनलेस स्टील के कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकेंगे जो कि फ्लैट बॉटम के होना चाहिए। एंड अगर आपके पास एल्यूमिनियम का बॉटन है तो जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं, पीछे डॉट डॉट जो बर्तन के पीछे डॉट डॉट वाला है बर्तन, वो ही यूज़ कर पाएंगे इसमें। एंड एल्यूमिनियम के भी वही, एनोडाइज के भी वही, एंड आप लोहे के कोई भी बर्तन, आयरन के कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट सरफेस होना चाहिए, या कढ़ाई हो या तवा हो, आप कर सकते हैं बेझिझक। एंड जो ये वोल्टेज दिखा रहा है ये 1100 वॉट्स है, इसमें आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं 2000 वॉट्स तक, आप कम करना है तो कम कर सकते हैं। अगर आप ध्यान रखें, अगर आप मिल्क कर रहे हैं एंड अगर आप इंडक्शन के बाजू में ही है तो आप मिनिमम में रखना है, मिल्क कर रहे हैं तो 350 से 700 तक रखना है, क्योंकि मिल्क एकदम फास्ट गर्म हो जाता है एंड बाहर आने की संभावना रहती है। इसके लिए अगर आप बाजू में हैं तो 350 तक रखना है आपको, या मैक्सिमम 700 या 600 ऐसा, उससे ज़्यादा नहीं रखना है मिल्क को। एंड अगर आपको ये सभी नहीं करना है, सिंपली आपको फीचर्स पे जाना है, तो सिंपली आप इधर प्रेस कर दीजिए, ये देख सकते हैं लाइट आ गया मिल्क के ऊपर, देख सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, उसके हिसाब से ये गर्म करेगा, अगर मिल्क को कितना गर्म करना है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, ठीक है, जो ये बार वगैरह नहीं आएगा। ये मिल्क का बटन दिया हुआ है, बाकी जो नॉर्मली है प्रेशर कुकर के ऊपर ही रहेगा जब हम स्टार्ट करेंगे मेन्यू, उसमें आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, आपका कोई भी मिल्क करना है, सॉरी ये वाटर करना है, कोई भी करी वगैरह बनाना है तो करी के लिए भी फीचर्स है, सिंपली मेन्यू बटन प्रेस कर दीजिए हो जाएगा। एंड अब करते हैं डोसा चपाती के बारे में, अगर सिंपली आप डोसा चपाती का प्रेस करेंगे तो डीसी आएगा, डोसा चपाती का बटन आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक से जो गैस में आप कैसे करते हैं फ्लेम एडजस्टमेंट, इसमें ऑटोमेटिक सेटिंग्स रहता है कि उतना उसको फ्लेम चाहिए, उसके हिसाब से ये सेंसर काम करता है। एंड विजुअल प्रीसेट आप देख सकते हैं, प्रेशर कुकर 02 यानी कि दो विजल बजने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ होता है, अगर आपको तीन विजल चाहिए तो तीन, चार चाहिए तो चार, पाँच चाहिए तो पाँच, छः, सात, बट रेगुलर पाँच है तो कोई नहीं करता है, फिर भी इसमें सेटिंग्स दिया हुआ है। फिर आप इसमें वापस मेन्यू डाल दीजिए, एंड इसमें टाइमर भी दिया हुआ है, अगर आपको टाइमर करना है तो वापस ज़्यादा कम कर सकते हैं, इधर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। एंड कीप वार्म कैसा है वो बताता हूँ, तो कीप वार्म क्या होता है, ये सिंपली ऑन कर दिया, मेन्यू द बटन दबा दिया, वापस देख सकते हैं ये मैं ऑफ कर दिया, तो देख सकते हैं ये अभी जो है कीप वार्म में चला गया, यानी कि डस्ट 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 आ जाएगा।
तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक जब ये थोड़ा ठंडा होने लगेगा तो इंडक्शन वापस से ऑन हो जाएगा। इसमें ऐसा होता है कीप वार्म जो है आपका काम करता है, एंड मैंने टाइमर का तो बता ही दिया था। और भी कुछ आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। एंड अब करते हैं इंडक्शन की प्राइसिंग की बात, तो इसकी MRP देख सकते हैं 5,445 है, जो आपको मार्केट में बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट में मिल जाएगी। 3,800 टू 3,500 के आसपास आपको मिल जाएगा ये। एंड अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं जो पतीला मैंने यूज़ किया है, हॉकिंस ब्रांड का पतीला है, ये भी परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आप 6 कप ऑफ टी बना सकते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पतीला है जो कि स्टेनलेस स्टील का है। एंड काफ़ी फास्ट से ये गर्म हो जाता है इंडक्शन कंपेयर टू गैस करें, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है। एंड साइड की डिज़ाइन की बात करें तो देख सकते हैं ये रेड कलर की इस तरह की पट्टी रहती है, डिज़ाइन काफ़ी सुंदर एंड काफ़ी लाजवाब है। दोस्तों मेन जो क्या होता है ना, अगर आपका इंडक्शन जो ख़राब हो जाता है तो ख़राब क्यों होता है, मेन जो रीज़न होता है ख़राब होने का, कि आपका जो इंडक्शन है नॉर्मली आप यूज़ करते हैं 1 महीना 2 महीना 1 ईयर आफ्टर भी कभी ख़राब होता है तो एक मेन रीज़न होती है, एक तो उनसे कॉकरोच से दूर रखिए इंडक्शन को। कॉकरोच अगर आपके घर में है, किचन में है, तो क्या करना है, इसमें जो ट्यूब मिलती है मार्केट में वो लगा दीजिए इसके पीछे, ये टैबलेट्स इसके साइड में रख दीजिए, तो उससे क्या होगा ना इंडक्शन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उसमें पूरा सेंसर आता है। सेंसर कॉकरोच जाके सेंसर के ऊपर जो बटन रहेंगे अंदर उसके ऊपर बैठ गया, सडनली आपने ऑन कर दिया तो बोर्ड गया, तो मेन वो दिक्कत आती है। एंड एक और बात ध्यान रखें, इंडक्शन को आप कंप्लीट ऑफ इधर से डायरेक्ट स्विच से नहीं करना है, आप इधर ऑफ कर लीजिए, उसके बाद में जो ये फैन घूम रहा है आप साउंड सुन सकते हैं, ये जो फैन घूम रहा है ये ऑफ होने के बाद फिर आपको मेन स्विच को ऑफ करना है, उससे पहले ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जो कोयल रहती है उसमें ठंडा होने में टाइम लेता है, वो कोयल टाइम लेती है, तो इसलिए अगर आप सडनली ऑफ करेंगे तो वो कोयल को इफ़ेक्ट दे सकती है, यानी कि प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको इस बात का फुल ध्यान रखना है। एंड एक बार और आप इसको मैनुअल जो बुक आती है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो देख सकते हैं इस तरह का जो मैनुअल बुक है। एंड वारंटी मैंने बताया था 1 ईयर का वारंटी है इसमें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।